ईश्वर दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। आजकल किसी भी चीज के बारे में जानकारी करनी हो तो गूगल करना हमारी आम आदत हो गई है। कोई पता देखना हो, रास्ता देखना हो, यहाँ तक कि कस्टमर केयर का नंबर भी लोग अब गूगल पर ही सर्च करते हैं। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि आपकी यह आदत आप पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, बेंगलोर में एक ऐसा ही कुछ महिला के साथ हुआ। इस महिला के साथ जो हुआ उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल गूगल पर इन दिनों फर्जी कस्टमर केयर नंबर भारी मात्रा में मौजूद है। सर्च करने के बाद आने वाले इन नंबरों पर आप जब कॉल करते हैं तो जालसाज आपको अपने चुंगुल में फंसा कर चूना लगा देते हैं। बेंगलोर की महिला ऐसे हुई शिकार। गूगल पर आने वाले फेक कस्टमर केयर के नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो जालसाज आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में बेंगलोर में एक महिला ने जब जोमेटो के फेक कॉल सेंटर पर यह जानने के लिए कॉल किया कि उसका रिफंड आया या नहीं, तो उसका अकाउंट से पूरा बैलेंस सेकंडों में खाली हो गया। इस महिला ने गूगल पर जोमेटो कॉल सेंटर का नंबर सर्च कर डायल किया। यहाँ उसने अपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट की तो जालसाज ने उसके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी। इसके कुछ देर बाद ही उसके अकाउंट में मौजूद बैलेंस खाली हो गया। महिला के अनुसार जब उसने जोमेटो ऐप पर कस्टमर केयर नंबर तलाश किया तो उसे कोई नंबर नहीं मिला। इसके बाद उसने कॉल सेंटर का नंबर गूगल पर सर्च किया तो उसे फेक नंबर मिल गया। उसे रिफंड पाने के लिए यह नंबर डायल कर दिया। गूगल पर नंबर डालने वाले जालसाज ने उसे ठगी का शिकार बना लिया। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की तरफ से फेक कॉल सेंटर से जुड़ी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। इससे पहले भी कई ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में भी फेक कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर अटैकर्स कस्टमर से उनके बैंकिंग डिटेल पूछ लेता है और बाद में उन्हें फ्रॉड का शिकार बना लेता है। ऐसा ही मामला पीएफ ऑफिस को लेकर भी आया था। इस मामले में ठगों ने मुंबई के ईपीएफओ ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल गूगल सर्च पर बदल दिया। जब लोगों ने उस नंबर पर कॉल की तो ठगों ने उनसे उनकी पर्सनल डिटेल मांगकर कॉल करने वालों को चूना लगा दिया।